नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले वहां के माहौल बिगड़ने की खबर है। जी हां, एक जगह माहौल बिगड़ा हुआ है तो दूसरी जगह सरकार की हालत पस्ता दिखाई दे रही है। सरकार के खिलाफ जो कि आवाजें उठने लगी हैं और वहां पर ये लगने लगा है कि आखिर सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो वो डूब सकती है। और ऐसा क्यों हो सकता है पता नहीं, क्योंकि खबर है राजस्थान से, जहां पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जाएंगे आम हड़ताल पर। जल्द तय होगी तारीख। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आम हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आखिर ये अपनी सरकार से खुश नहीं है, और सरकार जो कि वसुंधरा राजे सरकार, जो कि बिना प्रदेश अध्यक्ष के नियुक्ति के ही खुद दौड़ रही है और हर फैसला जल्दी जल्दी ले रही है ताकि वहां चुनाव आने वाले हैं, और जिस तरह किसानों को खुश करने में लगी हुई है वो वाकई ये दिखाता है कि चुनावों में जीतने के लिए वसुंधरा सरकार एड़ी छोटी का जोर लगा रही है। वसुंधरा सरकार दिन रात काम कर रही है किसानों को खुश करने के लिए, वहां के लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन कांग्रेस है कि उनकी हर मेहनत पर पानी फेर रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो कि वहां विपक्ष का रूप निभा रही है, और कांग्रेस जो कि राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जो कि अपनी अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं और वो पूरी तरह से वसुंधरा सरकार पर हमला बोल रहे हैं। एक तरफ वसुंधरा सरकार है जो उन्होंने सरकारी कर्मचारियों ने उन्हें घेर लिया है और किसानों ने वहां घेर लिया है, हालात अच्छे नहीं बताते, दोहरी मार पड़ी वसुंधरा सरकार पर। तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर है और सचिन पायलट इतने एक्टिव हैं कि वो वसुंधरा राजे सरकार पर हमला करना नहीं भूलते और हर मौके पर हमला करते हैं। मैं आपको ताज़ा अपडेट से रूबरू कराऊँ, उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा। आने वाले दिनों में वसुंधरा सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जल्द ही आम हड़ताल पर जाएंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आम हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। जी हां, महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक में हड़ताल और आंदोलन का निर्णय लिया गया है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही कर्मचारी मुखर होने लगे हैं। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत कर्मचारी आम हड़ताल पर जाएंगे। जी हाँ, ये निर्णय कर लिया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आयुदान सिंह काव्या की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके लिए संयुक्त संघर्ष समिति को साथ लेकर जल्द ही इस निर्णय को अमल में लाया जाएगा। संयुक्त संघर्ष समिति के साथ बैठक के बाद हड़ताल पर जाने की तारीख घोषित की जाएगी। इन्होंने तय कर लिया है कि आम हड़ताल पर जाएंगे और उसकी तारीख भी जल्द घोषित की जाएगी। महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक में कर्मचारियों ने सरकार पर गुमराह करने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। गौर फरमाइएगा, महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक में कर्मचारियों ने सरकार पर गुमराह करने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो राज्य सरकार के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल 5-6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के मद्देनजर सरकार अभी जोर शोर से अपनी घोषणाओं पर अमल करने में जुटी है। ऐसे में अगर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो सरकार की घोषणाओं को पूरा करने के लिए किए जाए प्रयासों पर पानी फेर सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अगर गए तो इसका नुकसान बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। राजस्थान में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं मैं आपको दिखाता हूं कि सचिन पायलट कितने हमले दागते हैं वसुंधरा सरकार पर। देखिए खास रिपोर्ट। बढ़ावा देते हैं, मुख्यमंत्री स्कूलों को बंद कर रही है, अस्पताल में ताले पड़े, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, निजी हाथों में देना चाहते हैं स्कूल को, अस्पतालों को। आप स्कूल चला नहीं सकते, 70,000 स्कूल बंद कर दिए राजस्थान। ये बच्चे जो पढ़ेंगे नहीं तो 5 साल का नुकसान होगा, जो स्कूल बंद होने के बाद ये कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, नौकरियां कहां से मिलेंगी। नोटबंदी करती, GST थोप दिया, नौकरियां नहीं है, किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, फसल को लोग सड़कों पे फेंक रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमसे पूछते हमने क्या किया इस देश में, किसान को मजबूती दी है, 72,000 करोड़ रुपए किसान का ऋण माफ किया है और वही ऋण हम माफ करवाएंगे वसुंधरा जी से। आपको कामयाब बनाया हमारे महासचिव महोदय जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत साहब, रूडी साहब, सब लोगों ने मिलकर इस चुनाव को अपना चुनाव समझा और सरकार ने तमाम कोशिशें की। और आप लोगों से बात छुपी नहीं है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सत्ता, पुलिस, प्रशासन सब कुछ दाव पर लगाने के बाद भी जनता का जो असीम प्रेम और आशीर्वाद हमारे तीनों उम्मीदवारों को मिला वो
राहुल गांधी जी के नेतृत्व की क्षमता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो ताकत और दिलेरी है उस पर जनता ने मोहर लगाई है। मैं एक बार पुनः औपचारिक रूप से रघु शर्मा जी, करण सिंह जी और विवेक भागड़ साहब को उनकी जीत पर शुभकामना देता हूं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो आज यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद है वो और जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस जीत से लाखों करोड़ों कांग्रेसजनों के भाव जुड़े हुए हैं और इस जीत से एक नया रास्ता खुला है जो हम सब लोग पहले से जानते थे, लेकिन जनता की मोहर आज लगी है। पूरा देश, प्रदेश और हिंदुस्तान, दुनिया इस बात को समझ गई है कि कांग्रेस से बेहतर विकल्प जनता के पास कोई नहीं है। और हर बार हम लोग बोलते थे कि कांग्रेस की जो जबरदस्त वापसी होगी वो राजस्थान से शुरुआत होगी। मुझे खुशी है कि लोगों ने हमारी भावना को समझा है और बहुत जबरदस्त जीत हासिल हमारे तीनों उम्मीदवारों को करी है। तो देखा आपने कि किस तरह सचिन पायलट वसुंधरा सरकार पर एक के बाद एक हमले साध रहे हैं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि राजस्थान में हाल ही में उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने 2 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा सीट जीती। इन सभी पर उपचुनाव हुए थे, अलवर और अजमेर लोकसभा सीट और विधानसभा सीट मांडलगढ़, इन तीनों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से कांग्रेस की हालत बेहतर हो गई, कांग्रेस को और मजबूती मिली, उसके बाद में कांग्रेस में एक कॉन्फिडेंस आया। देखिए चुनावों का दौर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 3 सीटों पर हुए उपचुनावों में मिली हार के बाद सीएम वसुंधरा राजे एक्शन में दिख रही हैं। वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से जनता का विश्वास हासिल करने के लिए जिलाधीशों को सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने और फील्ड में जाकर लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी तो राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आम जन तक पहुंचेगा। राज्य ने जिलाधीश सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2018-19 के बजट की घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए अभी से काम शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र शुरू कर उन्हें राहत दिलाएं और समर्थन मूल्य पर खरीद, शौचालय निर्माण की किस्त सहित प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का लंबित भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने जिलाधीशों को आम जन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण की उचित निगरानी करने, विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने, रात्रि चौपाल कार्यक्रम का ज़्यादा प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने जैसे उपायों कर लोगों को खुशहाल बनाने पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं देखने वाली बात यह है कि जब उपचुनावों की तैयारी चल रही थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पूरे जोश में दिख रही थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं उससे एक कदम पीछे चल रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी ये सोच रही थी कि राज्य में उसकी सरकार है और इन उपचुनावों में भी कहीं ना कहीं उसकी जीत होगी। लेकिन तीनों उपचुनावों में जहां की 2 सीटें जो कि लोकसभा सीट थी अलवर और अजमेर और 1 मांडलगढ़ विधानसभा सीट थी, इन तीनों पर जो नतीजे आए वो बेहद ही चौंकाने वाले निकले। आपको बता दें कि तीनों पर ही कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की। जी हां, दोनों संसदीय सीट लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने भारी मतों से जीत दर्ज की और मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस की जीत हुई, जिससे कांग्रेस को एक उम्मीद जगी और बीजेपी बैकफुट पर नजर आई। यानी कि इन उपचुनावों में कांग्रेस को ही जीत मिली, जिसके बाद बीजेपी सरकार जवाब देने से बचती रही। लेकिन बीजेपी सरकार की माने तो कहीं ना कहीं इस चुनाव से उन्हें अंदेशा लग गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे उनके लिए ऐसे ही साबित हो सकते हैं। इससे पहले उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी होगी और जमकर प्रचार प्रसार करना होगा और लोगों तक पहुंचना होगा, जैसा कि कांग्रेस इन दिनों कर रही है। आपको बता दें कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में ये चुनाव हुए थे और उन्हीं की बदौलत, उनकी मेहनत रंग लाई और तीनों सीट पर उन्होंने चुनाव जीता। और इसका अंदाजा विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है कि अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कहीं ऐसा नतीजा दोबारा ना आए जो नतीजा कांग्रेस के पक्ष में निकले। तो देखा आपने, पहले राजस्थान में उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस की जीत और उसके बाद कांग्रेस के एक के बाद एक हमले राजस्थान में सचिन पायलट के बाद एक हमले जो कि वसुंधरा सरकार की मेहनत पर पानी फेरते हैं। और अब ये खबर आ रही है कि राज्य सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर
जा रहे हैं, जिसके लिए वसुंधरा सरकार की मेहनत पर पानी फिर सकता है। 5-6 महीने बाद होने वाले वहां पर चुनाव, जो कि वहां पर राजस्थान में बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ सकता है, उनको बड़े नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।